हेलो फ्रेंड्स, चामीज़ ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जिसका नाम है मलाई प्याज। ये बिल्कुल खाने में रेस्टोरेंट जैसा लगता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच तेल ले रही हूँ। इसके बाद 2 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सरसों, इनको मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटी इलायची और 1 बारीक हरी मिर्च कटी हुई और 1/2 इंच का अदरक कद्दूकस किया हुआ, इनको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैंने प्याज के 4 टुकड़े करके उसको मैंने खोल लिया है और अब इसे भी हम मिक्स करेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, और हम ढककर भी पकाएं जिससे कि ये जल्दी से जल्दी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी और उसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा कलर लाने के लिए इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, निखर कर आएगा। और इसे हम ढक ढक कर पकाएंगे जब तक थोड़ा और प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। अब फ्रेंड्स, हम डालेंगे इसमें फ्रेश मलाई जो हमें घर में ही मिल जाती है, और ये मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। और इसे इसका कलर इतना अच्छा आएगा, इसका लुक चेंज हो जाएगा क्रीम डालने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आ जाता है। और इसे फ्रेंड्स हम पराठे, पूरी और रोटी के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते हमारी सब्जी भी रेडी हो गई। और अब हम डालेंगे इस पर धनिया पत्ती। तो फ्रेंड्स, लग रही है ना ये सब्जी टेस्टी? और आप अपना प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।